इस वेले पंजाब दे कोल ना ते टीके हन अते ना ही ऑक्सीजन है। अजिहा कहना है पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दा। अजिहे विच हुण पंजाब अपने गुआंढी मुल्क पाकिस्तान तों वड्डी सहायता लैणा चाहुंदा है, पर विच दीवार बन के खड़ी हो गई है केंद्र सरकार। तुहानू दस दईए कि ट्रिब्यून दी खबर दे मुताबक पंजाब दे विच पिछले साल जदों कोरोना महामारी ने एंट्री दित्ती सी उदों केंद्र सरकार दे वल्लों इस नूं प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड दे विचों पैसा दिता गया सी पंजाब दे विच तीन ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करन दे वास्ते, अते उन्हां दे विचों एक प्लांट स्थापित कर दिता गया है फरीदकोट शहर दे विच। ये तीन प्लांट तीन वक्रे वक्रे शहर अमृतसर, पटियाला अते फरीदकोट दे विच लगाए जाने सी, एक लगा दिता गया है, बाकी दे दो हजे नहीं लगाए गए। वो क्यों नहीं लगाए गए, वो कदों लगाए जाणगे, उन्हां नूं किन्ना पैसा दिता गया है, किन्ना कित्थे वरत्या गया है, इसका जवाब जां ते राज सरकार कैप्टन सरकार दे सकती है अते जां फिर केंद्र सरकार मोदी सरकार दे सकती है। पर सरकारां दी इस नाकामी इस लापरवाही दा खमियाजा इस वेले पंजाब दे लोकां नूं जिहड़े कोरोना वायरस दा शिकार हो रहे ने उन्हां नूं भुगतना पै रिहा है अपनियां जानां कुरबान करा के। आए दिन आपां खबरां दे विच देखदे हां कि पंजाब दे विच ऑक्सीजन दी अते वेंटीलेटरां दी कमी बाकी राज्यां दे वांग ही इत्थे भी पाई जा रही है। जिन्नी ऑक्सीजन पंजाब नूं चाहीदी है उन्नी ऑक्सीजन इत्थे पैदा नहीं की जा रही, जां केंद्र सरकार दे वल्लों नहीं दित्ती जा रही। ये जिहड़ी हालत आ ये हालत आउण वाले दिनां दे विच होर ज़्यादा खराब हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। अजिहा भी पंजाब सरकार दे वल्लों अपने मूहों ही कहा जा रहा है कि हाल आउण वाले दिनां दे विच होर ज़्यादा माड़े हो जाएंगे। पंजाब दे सब तो ज़्यादा हालात माड़े होए पे ने पटियाला, अमृतसर अते जलंधर दे विच, जिथे कि मौतां होनियां शुरू भी हो चुकियां ने। पटियाला दे विच रजिंद्रा हस्पताल एक वड्डा हस्पताल है जिथे कि पिछले साल तो ही कोरोना दे पुख्ता प्रबंध ने कोरोना दे मरीजां दा इलाज वधिया तरीके दे नाल कीता जा रहा है, पर इस वेले हालात इन्ने नाजुक बने हुए ने कि उस हस्पताल नूं भी अपने हाथ अड़ने पै गए ने ऑक्सीजन दे वास्ते ते वेंटीलेटरां वास्ते। अजिहे विच जदों पंजाब विच ऑक्सीजन की भारी किल्लत आ रही है तां पंजाब सरकार ने पाकिस्तान तो ऑक्सीजन मंगवाउण दा एक वड्डा फैसला किया है। पाकिस्तान जो कि अपना गुआंढी मुल्क है जिसनों भारत सरकार दे वल्लों अपना दुश्मनी मुल्क मनिया जा रहा है, उतों ऑक्सीजन मंगवाउण दा फैसला किया है क्योंकि पंजाब की लोड़ इस वेले पूरी नहीं हो पा रही। दस दिने हाँ कि पंजाब दे विच इस वेले रोज़ाना 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, पर सप्लाई जिहड़ी है उस तों बहुत घट हो रही है केंद्र सरकार दे वल्लों। कुछ जिहड़ी केंद्र सरकार वल्लों भेजी जा रही है, कुछ पंजाब सरकार अपने तौर उत्ते ऑक्सीजन पैदा कर रही है, वह किवें इत्थों दे जिहड़े लोहे दे ते स्टील दे प्लांट आ उन्हां दे कम बंद करवा दिते गए ने ते उन्हां दे प्लांट जिहड़े आ उन्हां दी ऑक्सीजन आ उह मैडिकल सेवावां दे वास्ते वरती जा रही है, हस्पतालां दे विच मुहैया करवाई जा रही है। पर इस सब तो बाद भी मरीजों के वास्ते ऑक्सीजन की कमी पै रही है। पंजाब सरकार के अनुसार पंजाब नूं हर रोज़ आने वाले समय के 300 मीट्रिक टन की जरूरत पैण वाली है। कैप्टन ने केंद्र सरकार नूं इस संबंध के बाकायदा पत्र भी लिखा है कि पंजाब नूं होर ज़्यादा जिनी उसनूं लोड़ है उन्नी ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, जेकर अजिहा ना किया तो पंजाब के हालत होर भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। पर यह कहा जा रहा है नाल ही कि केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब दे नाल मतरेयां वाला सलूक किया जा रहा है। कैप्टन ने जो पत्र लिखा है उस गल ते गौर नहीं किया जा रहा, केंद्र सरकार दे कोल ऑक्सीजन जिहड़ी है वो है नहीं है जां वो भेज नहीं रही, इस गल का कोई जवाब नहीं है। हुण जिहड़ी खबर एक होर चर्चा दे विच है वो ये है कि पंजाब सरकार पाकिस्तान तो ऑक्सीजन मंगवाना चाहती है, इस वास्ते उसने अपनी तैयारी विढ़ भी ली है, मुकम्मल ही होने वाली है, पर केंद्र सरकार अजिहा करन नहीं दे रही। पंजाब ते चाहुंदा है, पंजाब सरकार भी चाहुंदी है कि पाकिस्तान तो ऑक्सीजन मंगवाई जावे क्योंकि इस वेले पंजाब नू लोड़ है, देश नू लोड़ है, पर केंद्र सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही, उसने कोई चंगा रवैया नहीं दिखाया। केंद्र सरकार इस दे विचाले अड़िका बन के बैठ गई है, अजिहा कहना है कांग्रेस के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ का। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार पंजाब दे नाल
इस कदम दे विच सहयोग नहीं कर रही। अजिहे विच पंजाब दे विच जेकर किसी की भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज का करके ऑक्सीजन की कमी का करके मौत होंदी है तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ तो सिर्फ केंद्र सरकार मोदी सरकार ही होगी। हुण दूजे पासे गल करदे हाँ कि कांग्रेस के विधायक अते अमृतसर तो जिहड़े मैंबर ऑफ पार्लीमेंट आ गुरजीत सिंह औजला उन्होंने भी बाकायदा देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी दे विच उन्होंने एक वक्रा कोरीडोर बनाउण वास्ते कहा है कि जो हाल बने हुए ने पंजाब दे विच ऑक्सीजन की कमी नूं देखदे हुए एक वक्रा कोरीडोर बनाउण प्रधानमंत्री तां कि उत्थों पाकिस्तान तो पंजाब दे विच ऑक्सीजन लियांदी जावे। इस गल दे उत्ते उन्होंने गौर करन नूं आख्या है। नाल ही उन्होंने कहा है कि लोड़ दे समय गुआंढी ही कम आउंदे ने ते इस वेले भारत नूं जां पंजाब नूं वड्डी लोड़ है ऑक्सीजन की अपने नागरिकां दीआं जानां नूं बचाउण वास्ते तां असीं अपने गुआंढी मुल्क पाकिस्तान तो मदद क्यों नहीं लै सकते। वह भी उदों जदों पाकिस्तान सरकार ने भी अते उत्थों दी एक संस्था ईदी फाउंडेशन ने भी मदद का हथ वधाया है, मदद की पेशकश दिती है कि वह मदद करनगे, अपनियां एंबूलेंस भेजणगे जां फाइनैंशली भी जिन्ना खर्चा है वह आपे ही करनगे। सारे जेकर कोई बैड या ऑक्सीजन है वह भेज सकते हैं तो भी असी पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं लै सकते। औजला ने चिट्ठी के जरिए इस गल दे वल भी ध्यान दवाया है कि अमृतसर जो कि सरहद के उत्ते पैंदा है, बॉर्डर ते है, पाकिस्तान बिल्कुल नेड़े है, अजिहे विच पंजाब दे वास्ते 350 किलोमीटर दूर पानीपत दे नालों ज़्यादा सौखा है कि वह 50 किलोमीटर दूर लाहौर तो ऑक्सीजन इत्थे लै आवे, क्योंकि 350 किलोमीटर तो ऑक्सीजन लियाउणी जदों हुंदी है तां ट्रकां नूं लै के जां होर बहुत तरह दीआं मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है तो इस करके होर भी ज़्यादा कमी जिहड़ी पंजाब दे हस्पतालां विच पाई जा रही है। सो इहदे तो चंगा है कि केंद्र सरकार मदद करे, केंद्र सरकार इसकी इजाजत दे देवे, सारा खर्चा पंजाब सरकार उठावेगी कि पाकिस्तान तो पंजाब दे विच ऑक्सीजन लियाउण दी जिहड़ी सहमति है वह दे दित्ती जावे। पंजाब दे विच कोरोना का संकट बनिया होया है। इस गल नूं सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भी मनिया है कि राज सरकार दे कोल पंजाब दे विच ना तो टीके हन अते ना ही ऑक्सीजन है। उन्हां दा कहना है कि सूबे विच 18 साल तो वध उम्र दे लोकां नूं कोविड-19 रोकू टीके लगन दे विच देरी हो सकती है क्योंकि राज सरकार दे कोल टीके है ही नहीं, टीकियां दी बहुत ज़्यादा घट है। दरअसल 18 तो लैके 45 साल दी उम्र दे लोकां नूं 1 मई तो टीका लगाया जाना सी पंजाब दे विच वी, पर उन्हां दा कहना है कि पंजाब दे कोल टीके ही नहीं आ तां फिर वह इस मुहिम नूं शुरू किवें कर सकते ने, जिस तों इह साफ है कि पंजाब दे विच टीकाकरण मुहिम 18 साल तो 45 साल दे लोकां वास्ते 1 मई तो शुरू नहीं होण जा रही। यह कदों शुरू होवेगी इस बारे कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि जिहड़ियां टीके बनाउण वालियां कंपनियां आ उन्होंने भी कह दिता है कि बुकिंग टीकियां दी पहलां ही होई पई है, होर टीके बनाउण दे विच हजे समा लग सकता है। राज दे कोल उन्हां दा कहना है कि पंजाब दे कोल स्टाफ भी है अते टीकाकरण दे वास्ते बुनियादी ढांचा भी है, पर टीके ही नहीं आ तां फिर टीकाकरण मुहिम दी शुरुआत किवें कीती जावे। इस करके पंजाब दे अंदर 1 मई तो 18 साल तो उपर दे लोकां वास्ते टीकाकरण मुहिम की शुरुआत करनी मुश्किल है। 1 मई तो 18 साल तो उपर दे लोकां नूं टीकाकरण नहीं लगेगा।